दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइज, आज की वीडियो हमारी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की बुक से रिलेटेड है, जो कि बीएड सेकंड ईयर की बुक है। यहाँ पर हम पूरे सिलेबस को नहीं करेंगे, सिर्फ मेन मेन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड दो क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इनसे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूंगी। और गाइस, साथ में ये भी बताऊंगी कि इन दोनों टॉपिक को आप किस तरीके से एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर राइट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वीडियो को लास्ट तक और फुल ज़रूर देखिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। गाइस, इस चैनल पर आप लोगों की बीएड से रिलेटेड सभी तरीके की हेल्प करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले हम जेंडर इक्वालिटी को समझेंगे कि जेंडर इक्वालिटी क्या होता है। यहाँ से हमारे शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट सारे तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि जेंडर इक्वालिटी होता क्या है और इसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो जब ये आंसर हमें लिखने के लिए आएगा ना गाइस, चाहे ये शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आंसर में लिखना है कि जेंडर इक्वालिटी को समझने से पहले हमें पहले जेंडर और इक्वालिटी को समझना होगा, तभी हम जेंडर इक्वालिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद आप पहला पॉइंट डालोगे जेंडर। वैसे तो जेंडर जो है एक सोसाइटी का टर्म है, लेकिन यहाँ पर हम जेंडर में ना सेक्स की डेफिनेशन राइट करेंगे, ठीक है। तो मैंने सेक्स को पहले की अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सेक्स का मीनिंग जो है वो समझ में आ जाएगी। यहाँ मैं नॉर्मली से समझा देती हूँ कि जो सेक्स होता है वो एक मैन और वुमेन के बीच में फिजिकली और बायोलॉजिकली डिफरेंस को दर्शाता है। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो लड़का है या लड़की है कैसे पहचाने, क्योंकि वो तो रूप रंग हर तरीके से एक ही होता है। जब तो बच्चों का ये नहीं होता ना कि मतलब जो लंबे बाल वाला है वो लड़की है, जो छोटे बाल वाला है वो लड़की है, ये तो होता नहीं है। तो शरीर के जिन अंगों के आधार पर हम एक बच्चे को मेल और फीमेल की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको हम सेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जब हर किसी को समान राइट दिए जाए, हर किसी को समानता का अधिकार दिया जाए, हर किसी को हर क्षेत्र में समान समझा जाए। गाइज, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इस एक लाइन को आप दो चार लाइन में अपने आप रिफ्रेम कर सकते हो, इतना तो शब्दों से खेलना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जेंडर इक्वालिटी क्या है। वैसे तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जेंडर इक्वालिटी अब है क्या। तो जेंडर इक्वालिटी इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग जस्ट एंड फेयर टुवर्ड्स मेन एंड वुमेन। सम स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू मेंटेन लैक ऑफ प्रिजाइड बाय विच सच हिस्टोरिकल एंड सोशल डिमेरिट्स कैन बी इरेडिकेटेड व्हेन हैव प्रूव्ड एन इम्पेडिमेंट इन गिविंग equal opportunities to men and women. Equality is a means to realize gender equality. So basically gender equality क्या है? Gender equality में आपको स्त्री और पुरुषों को एक समान समझा जाता है, सभी को एक बराबर हक दिए जाते हैं, और इसके अंदर जो समाज में अजीब से मतलब मान्यताएं थी और जो समाज की बुराइयां थी कि पुरुष और जो स्त्री होते हैं वो एक समान नहीं होती है, दोनों के काम अलग अलग होते हैं, ये दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते हैं, इन सब को दूर किया जाता है, इन सारे दोषों को दूर करने की कोशिश की जाती है जेंडर इक्वालिटी में। जेंडर इक्वालिटी जो है इक्वालिटी लाने का एक माध्यम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज, यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है कि जेंडर इक्वालिटी को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो गाइज, जो मैंने जेंडर बायसनेस को रिमूव करने के पॉइंट बताए थे वही सारे आप यहाँ पर डाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा शब्दों के साथ खेलना है।
जैसे कि वहां मैंने बताया था कि जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना कि लड़के और लड़कियां क्या है, समान है। तो इसी पॉइंट में आप यहाँ पे लिखोगे कि जागरूकता की कमी की वजह से जो लोग हैं वो मेन और वुमेन को एक नहीं समझते हैं, उनके कामों में डिफरेंस करते हैं, उनके बीच में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि सभी इक्वल हैं, चाहे मेन हो या वुमेन हो, वो दोनों ही एक दूसरे के काम कर सकते हैं, कोई भी काम किसी के लिए फिक्स नहीं है, तो इससे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी। तो इस तरीके से आप वर्ड्स जो हैं वो चेंज कर कर लिख सकते हैं, और बीएड में आने के बाद आपको एक पॉइंट को बहुत सारे क्वेश्चंस में फिट करना आना चाहिए अपने शब्दों के थ्रू, तो आप वही सारे पॉइंट यहाँ पे भी डाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जेंडर इनइक्वालिटी। अब इसमें भी सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन सेम बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी की तरह ही बनेगा, तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले जेंडर डिस्क्राइब करोगे, फिर इनइक्वालिटी डिस्क्राइब करोगे। इनइक्वालिटी का बेसिक सा मतलब होता है आपका भेदभावपूर्ण व्यवहार, मतलब जब किसी के भी साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में मेन और वुमेन के बीच या फिर धनी और निर्धन के बीच जब भेदभाव किया जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसे इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी क्या है कि जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसे जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। मतलब कि एक लिंग, मतलब कि लिंग के आधार पर बालक और बालिकाओं में सभी तरीके का जो अंतर किया जाता है, उनके खाने पीने में, उनके कपड़ों में, उनकी शिक्षा में, इन सभी तरीके के भेदभाव को जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। अब आप इस आंसर को बड़ा कैसे लिख सकते हैं, तो इस आंसर को बड़ा लिखने में आप क्या करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने घर में रहता है, घर में उसके साथ मतलब घर में बालक और बालिकाओं के साथ बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं, जैसे कि लड़कों को ज़्यादा अच्छा खाने के लिए दिया जाता है, लड़कियों को कम अच्छा खाने के लिए दिया जाता है, लड़कों के कपड़े महंगे होते हैं, लड़कियों के कपड़े सस्ते होते हैं, खेल खिलौनों में इनके भेदभाव किया जाता है, और फिर स्कूल से, फिर घर से बच्चा जो होता है वो स्कूल में जाता है, स्कूल में भी उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जैसे उनकी ड्रेस में, उनके करिकुलम में, और उनके खेल कूद के इक्विपमेंट्स में, और उनकी एक्टिविटीज़ में, है ना। और स्कूल के बाद फिर कहाँ जाता है बच्चा, समाज में आता है, तो समाज में भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है कि लड़कियाँ क्या है, सलवार कमीज पहनेंगी, लड़के पैंट शर्ट कुछ भी पहन सकते हैं, और लड़कियाँ शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, लड़के पहन सकते हैं, लड़कियाँ देर रात बाहर नहीं घूम सकती, लड़के बाहर घूम सकते हैं, लड़कियाँ क्या है, अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, लड़के जा सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि समाज के बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो कार्यस्थल पर जाता है, काम करने जाता है, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जैसे कि लड़कियों को कम सैलरी पे ज़्यादा काम कराया जाता है, और जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है और कम काम कराया जाता है, उनके काम करने के घंटे जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इस तरीके से आप इस आंसर को जो है वो बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आगे ये बन जाता है कि जेंडर इनइक्वालिटी क्यों होती है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो गाइस, जो बायसनेस वाला मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन, उसी के जो कारण और रेमेडीज मैंने बताए थे वो सारे ही आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, सब यहाँ पर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो क्लासेस है वो अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, क्योंकि गाइज मैं एक ही टॉपिक से आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक जो है वो क्लियर कराते हुए चल रही हूँ, आप लोगों को टॉपिक यहाँ से समझने में भी आसानी अब हो रही होगी। तो गाइज ये हमारे जो दोनों टॉपिक थे वो फिनिश हो जाते हैं। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के थ्रू आप लोगों का जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। गाइज हमने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड जितनी और वीडियो बनाई हुई है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग इन वीडियो को देख कर अपने वो सारे क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज फिर आज की वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।